मैं सही ही टाइम मौजूदा डेजर्ट दे विच देखो सराय के रूही सड़े नू तो रिंदने डेजर्ट असा सराय के तसड़े नू रूही चौलिस्तान ते ना तो मशहूर है तू को मैं कोड़ दा अंदर दा भी सीन दिखेना। ए सी खुई जना पानी बिल्कुल ही कौड़ा है ते इधर बार दो ते मौजूद है माशाल्लाह सी ए सी खाजे गुलाम फरीदी दरबार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है सही ठीक हो ठीक है। मैं हाँ तुहाडा अपना दोस्त मोहम्मद शहजाद ते तुसाडे दे पे यूट्यूब चैनल शहजाद चौलिस्तानी। जिवें कि दोस्तों मैं वल अज दोबारा हाजिर सी चुका नवे विलॉग ते नवे रूटीन नाल। अज दा जरा साडा विलॉग है मैं मतलब फुल सरैकी बोलण दी कोशिश करना पिया ते अज दा जरा विलॉग है ना ओ असां जुलदे पे से अज थोड़ा जा रूही दा मैं तुहां को माहौल दिखावां तो को रूही दोबारा घुमवावां ते बारिश के बाद वाला क्या उत्थान रूटीन ने क्या खूबसूरती क्या माहौल है। मैं चलो तुम को दोबारा वाला मैं रूही घुमवा आज असा जुलसू तुम को रूही घूमवे थाना वाला दोबारा का माहौल दिखे हूँ तू भी नवे तो नवे जही दिखे सू। अगर कोई दोस्त चैनल ते नवा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर गिने ते वीडियो को लाइक लाजमी कर गिने ते वाल कर अज का देसी माहौल सरैकी व्लॉग स्टार्ट। ये गाँव की सड़क हालत तुम खुद देखते पे सो क्या हूँ जुलता पिया स्कूल छोड़ने बालों को स्कूल छोड़ने तो बाद वाला तो अगली विलॉग शहर तो मुँह तो को वाला फ्रेंड जुल दूँ रूही वाली शहर से उतना तो दरिया का माहौल दिखे खुंबिया उस दिन तक खुंबिया पटे सूँ अगली वाला तो माहौल दिखे माशाल्लाह सही अल्लाह के करम नाल कुछ लोगों ने जरा गपई हैं माशाल्लाह तो माशाल्लाह बच गए ते माशाल्लाह जरा ही रेट कपाह का रेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। अल्लाह ताला इन्हों की मेहनत को रंग लावे ते जिन्हों दया नहीं बचा अल्लाह ताला उन्हों को अगले साल दोबारा ही तो भी ज़्यादा खटवा। मैं सही हूँ बालों को स्कूल पुजा ते आ गया ते मैं सुबह का नाश्ता करना किता होया मैं हूँ अद्धे ते नाश्ता किते बिरयानी नाश्ता क्या मतलब कि बिरयानी की दिए खा ते हूँ जुलदा पे वापस जुलदू घर वापस उठा तैयारी करनी तैयारी शारी करते जुलदू रूही दत्तों को रूही फिरवे नू रूही दा विजिट कर। वेलकम बैक सी मैं आ चुका दोबारा व्लॉग दे अंदर क्योंकि काफ़ी देर सी गए तकरीबन मैं जल्दी आया तक दो त्रे घंटे सुन पाया तो दो त्रे घंटे बाद हम वापस आ चुके मैं नहा धो रेडी सी गया ते हूँ जल्दू जुम्मे का टाइम पे जुम्मा ही परसों तो को लगी दे रोई का माहौल लिखे जुलदा पाया सी मैं रियल साइड ते उत्थाना दरबार भी है एक पीर साहब दी तो जल तो वही दिखे ना उ मस्जिद जो था जुम्मा नमाज अदा करनू ते वाला तो अगे तो माहौल दिखे ना टाइम सी सी हूँ एक पहले जुलसू जुम्मा नमाज अदा कर सू दरबार ते दरबार जुम्मा नमाज अदा करने तो बाद वाला अगे तो जुलसू डेजर्ट का भी तो माहौल दिखे सू जुम्मे का टाइम साढ़े जुम्मा पड़ गिनो वाला तो को मिल दो वीडियो जी। ऐसी खुई जना पानी बिल्कुल ही कौड़ा है ते दरबार दे उते मौजूद है माशाल्लाह सी ऐसी खाजे गुलाम फरीदी दरबार एक कंडा है दरबार है माशाल्लाह जुम्मा ही पड़ींदा पे नाल मस्जिद है ए कंडा शरीफ है ते दरबार है खाजे गुलाम फरीदी।
माशाल्लाह माशाल्लाह देखो दीवारों के उत्ते कितना खूबसूरत नक्शो नगार नाल सरायकी दे खाजे गुलाम फरीद काफियां ते शेर लिखे हैं। जी दीद भूमि सो चौदार उन्हें दीवारों ते काफियां ते खाजे गुलाम फरीद शेर लिखे हैं। हूँ पढ़ दू जुमा नमाज अदा कर जुमा नमाज अदा कर बाद वाला तो ना मिल दू माशाल्लाह से जुमा नमाज अदा कर दे से ते ए कुछ बाहर दरबार दा व्यू ए मस्जिद नाल माशाल्लाह बड़ी ये बड़ी खूबसूरत हर जुम्मे ते जुम्मे इत्थे दरबार ते सबेल भी चलदी है मिठे पानी दे। ए सही ओ जगह है जिथा हर साल खाजे गुलाम फरीद दरबार ते ना मेला सिंह इत्थे काफी भी ज्यादा रश होंदे ही सड़क ते भी ते ए जाते भी काफी ज्यादा मतलब हर जात रश रश दुकाना होंदे ने। पिछले तो माहौल दिखा सकदा इत्थे भी दुकाना होंदे काफी माहौल मैं सही ही टाइम मौजूदा डेजर्ट दे विच जेको सरायके च रूही सड़े नु तो नजर आंदा पिया से हर तरफ रेत ही रेत नजर आंदी पियो से ते नाल कुड़ी भी बने खड़े मैं सही ही टाइम मौजूदा डेजर्ट दे विच जेको सरायके च रूही सड़े नु तो नजर आंदा पिया से हर तरफ रेत ही रेत नजर आंदी पियो से ते नाल कुड़ी भी बने खड़े ए जात ना मतलब जना और से सिंदे मेला सिंदे हूं ती था रिहाश रिहाश गे पर दूर दूर तो जरे हमने उसकी रिहाश करने दी रानन ते मेला देख देन इथा उठन दी यो घोड़ियां दी रेस भी सिंदी उठन दा मुकाबला भी सिंदे ते बाकी जरे खेल हैं वो भी सारे थी से मुनक्कद सी ना ए नाल दू छोटे जे कमरे बड़े हैं ते ए जरा दू कुड़ियां ए काफी भी पुराने हैं ते जरे ये एक कोड़े हुन बारिश दी वजह तो ढह गई मतलब घेर चुकी है तू को मैं कोड़ दा अंदर दा भी सीन दिखे ना ए जरू तू नी छाते ए भी ढह चुकी है ए जरू छाते मतलब ए भी ढह गई है ए है सी कुछ मतलब ए मैं जिथा मौजूद हाँ डेजर्ट रूही जिसको सा रूही सड़े नू ए हिंदा थोड़ा जा पा हिस्सा है मतलब चौलिस्तान दे वेचे ते जाकी बाकी जरी वड़ी रूही है ओ अगली साइड ते ओ तुआडे ओ तुआ भी मेरे व्लॉग दिखा सो पहले ते वला भी इंशाल्लाह तो दिल सू ओ व्लॉग भी दिखे सो माशाल्लाह ते बाकी सारे चौलिस्तान की खूबसूरती माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा है काफी ते काफी ना यादगार यादगार जहीन जिना चौलिस्तान दे वेच तुआ अज तक अज तो पहले कहन दिखा सो इंशाल्लाह ओ भी तुआ को कोई ना कोई व्लॉग लाजमी दिखे सो क्योंकि बारह सी है ना लोग वाला मोटरसाइकिल हमने ए रेत ज्यादा काफी ज्यादा पुसी भी है ते मोटरसाइकिल देखो टायरों के निशान इगी ते आप जी भी नजर जितने भी नजर वैसे ना रूही भी रूही रूही डेजर्ट ही नजर से देखो जी भी अपनी दीद वेंदी भी है ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਦੋ ਹੁਣ ਖੁੰਬਿਆਂ ਅਗਰ ਖੁੰਬਿਆਂ ਲੱਭ ਦੇਣ ਆਪਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁੰਬਿਆਂ ਵਾਪਸ ਪਾੜ ਦੇ ਜੁਲਸੂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਤਰਫ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਸਰਿੰਦਰ ਨੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਅਸਾਂ ਸਰਾਇ ਕੀ ਤਾਂ ਸਰਿੰਦਰ ਰੂਹੀ ਚੌਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਠਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੁੰਬਿਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੇਸੂ ਰੂਹੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤਾਂ ਖੁੰਬਿਆ ਵੀ ਗੁਲੇ ਸੂ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੁੱਲ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕਹਿਨੀ ਸਹਿਰਾ ਫੁੱਲ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕਹਿਨੀ ਫੁੱਲ ਰੂਹੀ ਕਹਿਨੀ ਫੁੱਲ ਰੂਹੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਵੇਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਮੇਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਤਬ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।